हाय गाइस, वेलकम टू कैप्रोनिक्स गेमिंग। आज हम आपके लिए एक सरप्राइज i7 1470K एंड 4070 सुपर का बिल्ड लेके आ गए हैं। आई नो आप लोग बोल रहे होंगे भाई कि जब इंटेल का लॉन्च हो गया नए प्रोसेसर का, बट आप फिर भी पुराने प्रोसेसर वीडियो क्यों बना रहे हो। इवन दो उनके लॉन्च के बाद उन्होंने एक नया सॉकेट लेके आ गए हैं, विच इज द 1851 सॉकेट, जिसमें इंप्रूवमेंट्स आना चाहिए था हमारे हिसाब से, बट वो इतना नहीं ला पाए। यस, दे हैव स्टार्टेड अ जर्नी जहाँ पे वो एक अच्छे प्रोसेसर का आगे बिल्ड कर सकते हैं इस सॉकेट पे, बट एज ऑफ नाउ बेसिकली उनका तो भाई लॉन्च गायब ही हो गया इंटेल का। द परफॉर्मेंस नॉट अप टू द मार्क, स्पेशली अगर मैं 9 की बात करूं तो प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो बहुत ही बैड है। प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर है, परफॉर्मेंस ज्यादा ऊपर नहीं है। लाइक आई सेड, उन्होंने जर्नी अच्छी स्टार्ट कर दी है, बट होपफुली उनका अच्छे आगे प्रोसेसर आ जाए। कंपैटिबिलिटी इश्यूज जो उनके हैं विद द न्यू प्रोसेसर थोड़े कम हो जाए, बिकॉज अभी तो बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। अभी हमने प्रोसेसर बेचे हैं Ultra 7, Ultra 5, Ultra 9 एज वेल। देर आर सम कंपैटिबिलिटी इश्यूज, बट येस, इफ यू आर लुकिंग एट अ फ्यूचर देन ओनली आप वहां पे जाओ। अदरवाइज अभी भी i7 1470K, स्पेशली जब उसका प्राइस गिर गया, मदरबोर्ड्स का प्राइस गिर गया है, तो उसका परफॉर्मेंस, स्पेशली जब उसका बायस अपडेट आ गया नया जिसमें वो ठीक हो गए, मतलब अभी प्रोसेसर पीपल आर गोइंग विद दैट, तो आई थिंक अभी भी ये बहुत रेलिवेंट है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा हमारा इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया है। आ जाओ, पीसी देखते हैं स्पेसिफिकेशंस के अंदर क्या है। कुछ भी इशू है हमें बोलो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पीसी है प्योरली एंड प्योरली एडिटिंग के लिए। स्पेशली इनको यूज करना है एडोब का पूरा सुइट। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने बहुत लंबी डिस्कशन वाला ये एक पीसी बिल्ड था, जहाँ पे हमने आई हैड अ कॉल विद द कस्टमर फॉर अबाउट 45 मिनट्स कि हमको क्या लेना चाहिए, अल्ट्रा 7 में जाना चाहिए, i7 में जाना चाहिए, अल्ट्रा 5 में जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए। हमारा बजट है अराउंड 1.6 लाख का। अच्छा, जस्ट बाय द वे, i7 14 जनरेशन विद 4070 सुपर का बिल्ड भाई 1.6 लाख में आपका बन गया। इससे पहले नहीं बनता था, ऑब्वियसली हमारा थोड़ा दिवाली ऑफर का भी ये फर्क है, बट स्टिल इस टाइम प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। i7 जिसको लेना है ले सकते हो, बहुत अच्छे प्राइस प्रोसेसर का भी और मदरबोर्ड का भी। चलो अब बात करते हैं हमारे यूज केस में एडिटिंग है। i7 14 जनरेशन आप लोगों को पता है 20 कोर्स 20 थ्रेड्स का बहुत ही सुपर प्रोसेसर है, जहाँ पे आपका बहुत इजीली एडोब सूट चल जाएगा। रेंडरिंग टाइम लो हो जाता है आपका काफ़ी अगर इसके प्रोसेसर एंड बूस्ट लॉक बहुत ही अच्छे हैं। नाउ अब आप बात करो मेरे पास ग्राफिक कार्ड की, ग्राफिक कार्ड मैंने 4070 सुपर यहाँ पे यूज़ किया 12 GB VRAM के साथ। तो आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा यार, ये पीसी मेजरली गेमिंग को ना ले दे के हमने एडिटिंग की तरफ लिया है, बिकॉज हमने यहाँ पे 4070 सुपर यूज़ किया रैदर देन अ हायर ग्राफिक कार्ड एंड अ लोअर प्रोसेसर। हमने यहाँ पे प्रोसेसर पर ज़्यादा जोर डाला एंड ग्राफिक कार्ड बोलिए जो उसका सूटेबल हो। ऐसा भी नहीं कि मैं 36 चालू 12 GB वाला बोला भी ना काम किया, कि सूटेबल होना चाहिए, दोनों बॉटलनेक एक साथ नहीं करने चाहिए। एंड इसका इनका जो परफॉर्मेंस है इन एडिटिंग, रेंडरिंग टाइम जो आपका मेन काम है, रेंडरिंग टाइम को कम करना, वो ये दोनों मिलके बहुत अच्छे से कर देंगे, ठीक है। साथ में ऑब्वियसली आपको रैम भी चाहिए, तो हमने 32 GB की रैम भी यूज़ करी है। तो ये तीन कॉम्पोनेंट आपके सबसे मेजर है अगर आपको एडिटिंग का इसका सिस्टम लेना होता है। 32 GB रैम इंपॉर्टेंट है भाई, उससे कम मत जाना। अच्छे वी रैम का आपका ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, कूडा को बहुत अच्छे होने चाहिए। अगेन ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट, बट मैं आपको आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि 8 से 12 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। 12 GB का हम आप यूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज हमारा बजट 1.6 है। एक्चुअली हमें आपको तो 1.5 का बजट था, बट हमने 10,000 इंक्रीज करा के उनका ये सिस्टम बना दिया, बिकॉज दिस इज एज ऑफ नाउ द बेस्ट सिस्टम इन 1.6 लाख फॉर एडिटिंग। मदरबोर्ड के बारे में बात करूँ, Z790, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज Z790 भाई, जो भी बोलता है बी सीरीज यूज करो, मत करो भाई ऐसा, मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। उसमें हीट सिंक सही होती, VRAM नहीं होते कि i7 को हैंडल कर सकें। जो भी ये पागल बनाते हैं यार, देखो मैं इसके 20,000 का प्राइस कट कर रहा हूँ और 2760 का मदरबोर्ड लेके जा रहा हूँ भाई, इट इज अ एब्सोल्यूट अटर आउटरेजियस प्रॉब्लमेटिक पीसी बिल्ड। फट जाएगा आपका कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है भाई। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको एक बहुत ही सूटेबल बिल्ड लेना होता है, जब स्पेशली जब आप एडिटिंग कर रहे हो। गेमिंग में इतना फर्क तब भी नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो आपका इतना हाई एंड प्रोसेसर वर्क नहीं होता, बट फिर जब भी आप एडोबी यूज कर रहे हो तो भाई वो आपको प्रोसेसर को अल्टीमेट लेवल पे ले जाता है। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू गेट। हम ऐसा ही नहीं करते कि यार मैं आपको सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए आपके पीसी में कुछ डाल रहा हूँ।
कंपैटिबिलिटी देख के ही मेरे को डालना पड़ता है। अब कल को लोग बोलते हैं यार देखो आप AG 400 यूज कर लो आप i7 के साथ, भाई AG 400 2000 रुपए का एयर कूलर है, कहाँ से यूज करोगे भाई इसके ऊपर? इसकी साले की TDP इतनी ऊपर है कि आप लोग उसको एक फिजिशियन का कूलर भी रो देता है इसको हीट करते करते, वो भी आपको अच्छा लेना पड़ता है। तभी हमने बाय द वे हमने कौन सा H150 यूज किया है, फिजिशियन लिक्विड कूलर, थीज ऑफ वारंटी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, टेम्परेचर आप लोगों को पता है, पहले भी दिखा चुका हूँ, प्राइजेस गिर गए हैं इसके, इसलिए आप अभी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा लिक्विड कूलर है, सो यू कैन गो फॉर इट। पावर स्पेक में बात करूं 750 इज गुड फॉर दिस बिल्ड, बट हमने यहाँ पे 850 यूज किया, सेम मॉडल एंटेक G850, रियली गुड पावर सप्लाई, 5 years ऑफ वारंटी के साथ आता है, आपका सेमी मॉड्यूलर है, नॉन मॉड्यूलर से बेटर ही है यार, सेम मॉडल ले लो आपके लिए अच्छा हो जाता है, केयर मैनेजमेंट के लिए आसान हो जाता है। अब स्टोरेज के बारे में बात करूँ, स्टोरेज हमने यहाँ पे क्रूशल का 1TB P3+Gen4 NVMe यूज किया है, 5000 का इसका स्पीड है, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर ले लेना चाहिए था, बट ठीक है, एज ऑफ हमारा बजट इतना अलाउ नहीं कर रहा था तो हमने P3+ ही रखा, इट विल गिव यू गुड इनफ परफॉर्मेंस, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये सब कॉम्बिनेशन तो रखो। सो गाइस ऐसा नहीं है कि हमने 160 में सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस में पैसा डाल दिया, हमने एस्थेटिक्स भी अच्छे करे हुए हैं, हमने यहाँ पे एंड ई-स्पोर्ट्स का क्रिस्टल ARGB केस यूज किया है, डुअल चेम्बर केस है, 4 ARGB फैंस है, लुक्स आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे है। एंड वैसे अगर मैं RGB की बात करूँ, आजकल कूलर में तो RGB देखो आती ही है, केस में आती ही है, बाकी रह जाती है रैम की बात। रैम में आजकल ए डाटा ले लो या T4 ले लो, यहाँ पे आपका RGB रैम ही नॉन RGB की ऑलमोस्ट कॉस्ट पे आती है, तो पीपल टेंड टू बाय यार चल मैं 500,000 रुपये डाल देता हूँ RGB रैम, थोड़ा एसेटिक ही अच्छे लग जाएंगे। बाकी यू कैन कंट्रोल द कंप्लीट RGB ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, वो हम ऐसे मेंटेन करके आपको देते हैं, जो भी कहते हैं मेरे को बटन से करना है बटन से कर सकते हो, बट हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा कंट्रोल करके देते हैं, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे लिए कि इसको कंट्रोल कैसे करना है ऑल दैट, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दो, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है चलो अब बात कर लेते हैं हमारी इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में गेमिंग का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज देर इज नो यूज केस, इसमें मैं गेमिंग है ही नहीं, बट अगर आपको देखना है तो हमारे पुराने चैनल में पड़ा हमारे पुराने वीडियो में है, मैं यहाँ पे टैग करता हूँ वाला वीडियो, उसमें आप देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस क्या है। इस PC का पूरा प्राइस अगेन बताता हूँ 1,60,000 है मेरे हिसाब से, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ अल्ट्रा 7 से अच्छा आप ये कॉम्बिनेशन में लेके जाओ, आज की डेट में आपको ये आराम से 4 से 5 साल चल जाएगा फॉर एडिटिंग। तो बेसिकली प्राइस जितना वो कॉस्ट कर रहे हैं उतनी उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर मिले एटलीस्ट तब तो वो बात है, तब तक आप ये यूज़ करो, इसका प्राइस कम हो गया है तो परफॉर्मेंस भी अच्छी ऑलरेडी थी, आप लोगों को पता है प्राइस कम हो गया और उसके स्टेबिलिटी इश्यूज बेटर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो यू कैन नाउ गो विद इट। बाकी अगली बार मिलता हूँ, कुछ भी डाउट हो भाई हमसे बात करो, हम ऐसे मैंने पता है मैंने कस्टमर से 45 मिनट तक बात करी थी टू अंडरस्टैंड कि क्या करना हमें चाहिए, क्या बजट में हमें क्या बेस्ट देना चाहिए। अगर आपको भी कोई डाउट है हमको कॉल करो, हमारी वेबसाइट पे जाओ, बुक कर सकते हो, बिंदास PC बनाओ, बढ़िया PC आपके लिए बनाएंगे, और अच्छा बिल्ड हुआ तो आपका PC का बिल्ड भी वीडियो में आएगा। अगली बार मिलता हूँ अगले बढ़िया PC के साथ।